हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू द फिफ्थ लेसन ऑफ द एट्थ क्लास ऑफ इंग्लिश बुक। एट्थ क्लास की जो इंग्लिश बुक है उसका मैं फिफ्थ लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। नेम ऑफ द लेसन इज द स्मिट विद इन। द स्मिट विद इन, स्मिट में से होते हैं पीक, चोटी, विद इन में से अंदर, अंदर की चोटी, अंदर की ऊंचाई। ये लेसन एच पी एस अलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। एंड ही वॉज ए माउंटेनियर, वह एक पर्वतारोही था। उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ही स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। और उसने लिखा कि जिस प्रकार एक पर्वत की चोटी है उसी प्रकार हमारे अंदर एक दिमाग की चोटी भी होती है, दिमाग की ऊंचाई भी होती है। जिस प्रकार हम पर्वत पर चढ़ते हैं, बाहरी ऊंचाई को छूते हैं, उसी प्रकार हमारे दिमाग की ऊंचाई को हम छू सकते हैं। तो स्मिट विदिन का मतलब हमारी आंतरिक ऊंचाई, हमारे दिमाग की ऊंचाई। तो देखो, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले पढ़ना है आपको। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, मेजर एच पी एस अहलूवालिया वॉज ए मेम्बर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर एच पी एस अहलूवालिया था, वो एक मेंबर था, एक सदस्य था, ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन, पहला सफल भारतीय जो अभियान था उसका सदस्य था, पहला सफल भारतीय अभियान टू माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इन 1965। 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहला सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था, पहला सक्सेसफुल जो भारतीय अभियान था उसका मेंबर था एच पी एस अहलूवालिया। हाउ डिड ही फील, उसने कैसा फील किया। हाउ डिड ही फील, उसने कैसे फील किया। व्हेन ही स्टूड, जब वह खड़ा हुआ। स्टूड है वो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही स्टूड, जब वह खड़ा हुआ। ऑन द हाइएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर यानी एवरेस्ट पर जब खड़ा हुआ तो उसने कैसे फील किया। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। लेट्स हियर चलो सुनते हैं हिज स्टोरी, उसकी कहानी को, इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में, उसकी कहानी उसके खुद के शब्दों में सुनते हैं कि उसने कैसे महसूस किया। क्लाइंबिंग द स्मिट, स्मिट पर चढ़ना, ये क्लाइंबिंग नहीं है, बी साइलेंट है, जैसे कॉम, क्लाइम, है ना। तो क्लाइंबिंग द स्मिट चोटी पर चढ़ना। एंड देन, और फिर, द मोर डिफिकल्ट टास्क है, और अधिक कठिन कार्य ऑफ क्लाइंबिंग द स्मिट विद इन, उससे भी कठिन कार्य होता है क्लाइंबिंग द स्मिट विद इन, अंदर की चोटी को पहुंचना। अंदर की चोटी यानी हमारे दिमाग की ऊंचाई को छूना, ये और भी इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य है। यानी एवरेस्ट पर चढ़ना तो डिफ़िकल्ट है, किसी चोटी पर चढ़ना तो डिफ़िकल्ट है ही, किसी भी ऊंचाई को छूना डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम मानसिक रूप से, मेंटली किसी चीज़ को पिक कर, किसी चीज़ की ऊंचाई को छूते हैं, वो उससे भी डिफ़िकल्ट होता है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं उसके शब्दों में, एच पी अहलूवालिया के खुद के शब्दों में। देखो क्या कहता है एच पी एस अहलूवालिया, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, ऑफ ऑल द इमोशंस जितनी भी इमोशंस सर्ज हुई थी मेरे अंदर, जो उमड़ी थी, इमोशंस होती है भावनाएं, जितनी भी भावनाएं जो सर्ज हुई थी, उमड़ी थी, थ्रू मी, मेरे में से यानी मुझसे जितनी भी इमोशंस उमड़ी थी उनमें से, उपकर्ता में से, उपकर्त का की क्या होता है, और उपकर्त में से भी होता है, यार्थ में से है, कि जितनी भी इमोशंस थी उनमें से, जो इमोशंस मेरे से निकली थी, एज आई स्टूड, जैसे ही मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो मुझसे जितनी भी इमोशंस सर्ज हुई उनमें से, looking over miles, मीलों of the panorama, होता है भूदृश्य को देखते हुए, below us, हमारे नीचे जो
मीलों मीलों दूर जो पेनोरमा था, जो दृश्य था उसको देखते हुए पर्वत की चोटी पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो जितनी भी इमोशंस मेरे में से सरज हुई उमड़ी, उनमें से द डोमिनेंट वन, उन इमोशंस में से सबसे जो डोमिनेंट थी, सबसे जो प्रमुख थी, प्रबल थी, आई थिंक मेरे को लगता है वो ह्यूमिलिटी, वो इमोशंस में से जो मेन जो इमोशंस थी वो ह्यूमिलिटी की थी। ह्यूमिलिटी होती है, ह्यूमिलिटी मीन्स दया। जितनी भी इमोशंस मेरे में थी उनमें से एक इमोशन जो प्रबल थी वो इमोशंस थी ह्यूमिलिटी की, यानी विनम्रता की। ओके, ह्यूमिलिटी में से विनम्रता। द फिजिकल इन मी सेम्ड टू से, फिजिकल यानी भौतिक शरीर, जो मुझ में फिजिकल था, जो भौतिक शरीर था वो सेम्ड हुआ। सेम्ड में से प्रतीत हुआ, टू से में से कहता हुआ, मेरे अंदर जो फिजिकल था, मेरे अंदर जो शरीर था वो कहता हुआ प्रतीत हुआ। थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कहता हुआ प्रतीत हुआ। थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, थैंक में से धन्यवाद ईश्वर तुम्हें कि मैं वह फिर से जीत गया, ऑल ओवर से पूरा हो गया, यानी मैंने चोटी फतह कर ली। हाउ एवर में से फिर भी, इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलियंट, जुबिलियंट होने के बजाय, जुबिलियंट होता है अत्यधिक प्रसन्न, प्रसन्न होने के बजाय, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस। जुबिलियंट होने के बजाय, अत्यधिक प्रसन्न होने के बजाय, यानी चोटी पर चढ़ गया मुझे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन प्रसन्न होने के बजाय देयर वॉज ए टिंज, टिंज में से कलर होता है, रंग होता है, सैडनेस में से उदासी, उदासी का कलर था। वॉज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था कि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, क्या ये इसलिए उदासी का टिंज था, उदासी का कलर था, क्या ये इसलिए था, वॉज इट बिकॉज क्या ये इसलिए था कि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि मैंने पहले ऊंचाई छू ली है, क्या ये इसलिए था कि मैंने ऊंचाई छू ली है, क्लाइंबिंग में चढ़ने में जो ऊंचाई है वो मैंने छू ली है, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और चढ़ने के लिए और कुछ ऊंची चीज़ है नहीं। ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, कि इसके बाद जितने भी रोड्स हैं, जितने भी रास्ते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, इसके बाद ऊंचाई चढ़ने कोई चीज़ ही नहीं है। क्या इसलिए मैं उदास था कि भी आज के बाद ऊंचाई जितनी भी है, सबसे ऊंची जगह है, मैं पहुंच गया हूं, इसके बाद जितनी भी रोड है वो नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ कोई रोड जाती नहीं है, क्या इसलिए ये उदासी का रंग था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलम्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, बाय क्लाइंबिंग चढ़कर द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर, यू आर ओवरवेलम्ड, तुम ओवरवेलम्ड हो जाते हो, ओवरवेलम्ड से भर जाते हो, बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, ओवरवेलम्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, आनंद की जो गहरी अनुभूति है, जॉय में सोता है आनंद, आनंद की जो गहरी अनुभूति होती है उससे तुम ओवरवेलम्ड हो जाते हो, परिपूर्ण हो जाते हो, एंड थैंकफुलनेस और आभारी होने के, थैंकफुलनेस होता है आभारी होना, थैंकफुलनेस और आनंद की जो गहरी अनुभूति है उससे परिपूर्ण हो जाते हो, जैसे ही एवरेस्ट की चोटी पर क्लाइंबिंग कर लेते हो, इट इज़ ए जॉय, एक ऐसा आनंद है चढ़ने पर, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का एक ऐसा जॉय, ऐसा आनंद है विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो पूरे जीवन पर्यंत चलता आता है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसा आनंद है विच लास्ट, जो चलता है ए लाइफ टाइम, पूरे जीवन। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू, और ये जो अनुभव है चढ़ने का, जो ये अनुभव है चेंजेज, बदल देता है तुम्हें, यू मीन तुम्हें कम्प्लीटली, पूरी तरह से चढ़ने का ये अनुभव तुम्हें पूरी तरह से बदले देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेंस इज नेवर सेम अगेन, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेंस, पर द मैन आदमी हु हैज़ बीन टू द माउंटेंस, जो पर्वतों में रह के आ चुका है, हैज़ बीन टू द माउंटेन, जो पर्वतों में होके आ चुका है या पर्वतों में रह चुका है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो आदमी कभी वैसा नहीं रहता है।
कभी भी वैसा रहता नहीं, नहीं उसकी जो सोच है वो सकारात्मक होते ही बिकेम्स पॉजिटिव, हिज एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जैसे ही मैं लुक बैक करता हूँ, जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, एट लाइफ जीवन पर, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जीवन पर जैसे ही मैं देखता हूँ, तो आई कैन नॉट हेल्प आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं रिमार्किंग नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं कर सकता, कांट हेल्प रिमार्किंग, वैसे टिप्पणी कर नहीं कर सकता मैं अबाउट द अदर समिट, अन्य चोटियों के बारे में। जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ जीवन पर, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद है, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता अन्य चोटियों के बारे में। द समिट ऑफ माइंड, दूसरी चोटी कौन सी, दूसरी चोटी, उस पर टिप्पणी नहीं सकता, दूसरी चोटी है द समिट ऑफ माइंड, माइंड की जो चोटी है, हमारे मस्तिष्क की जो ऊंचाई है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो मस्तिष्क की चोटी है, जो दिमाग की ऊंचाई है, नो लेस फॉर्मिडेबल, जो कम विकट नहीं है, नो लेस में से कम नहीं है, और फॉर्मिडेबल होता है विकट, जो कम विकट है नहीं है, नो ईजियर टू क्लाइम, और आसान भी नहीं है चढ़ने में। दिमाग की ऊंचाई है वो न तो फॉर्मिडेबल है, जो कम फॉर्मिडेबल नहीं है यानी कम विकट है नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा विकट है, बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण है दिमाग की ऊंचाई, और चढ़ने में भी वो ईजी नहीं है। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, इवन वेन का मतलब होता है इवन वेन, जब भी, वेन में से जब होता है, इवन में से भी, जब भी, गेटिंग डाउन, गेटिंग डाउन से उतरना, फ्रॉम द समिट, जब भी समिट से उतरते हैं, जब भी चोटी से उतरते हैं, वंस, एक बार, द फिजिकल एग्जॉस्टन हैड गोन, एक बार फिजिकल जो एग्जॉस्टन है, भौतिक जो थकान है, शारीरिक जो थकान है, वो जा चुकी होती है। जब हम समिट से उतरते हैं, किसी भी चोटी से नीचे आते हैं, तो हमारी जो फिजिकल एग्जॉस्टन है, हमारी जो शारीरिक थकान है, वो जा चुकी होती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैं खुद से पूछता हूँ, मैं खुद से पूछने लगता हूँ द क्वेश्चन पर्सन, मैं खुद से पर्सन पूछने लगता हूँ वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, ये मैं खुद से पूछने लगता हूँ वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग, और पहुँचने का जो ये कार्य है क्यों है, चोटी पर पहुँचने का कार्य है, उसने ऐसी ऐसी पकड़ क्यों बना रखी है ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना को, यानी चढ़ने के कार्य ने मेरी कल्पना को क्यों पकड़ रखा था, क्यों पकड़ रखा है। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, इट वॉज ऑलरेडी, ये पहले से ही ए थिंग, एक चीज़ बन गई है ऑफ द पास्ट, भूतकाल की, पहले से ये चढ़ने का कार्य है वो भूतकाल की चीज़ बन चुकी है, बन गई थी। समथिंग डन यस्टरडे, और कुछ ऐसी ऐसी घटना बन गई, ऐसा कार्य बन गया कि जो भूतकाल में किया गया है, कल किया गया है, ऐसी घटना ये बन गई है। तो चढ़ने के कार्य ने अभी भी मेरी कल्पना को क्यों पकड़ रखा है, ये मेरे को पता नहीं, ये भूतकाल की घटना बन गई है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ कल हो गया था। विद एवरी पासिंग डे, हर पास होने वाले दिन, एवरी पासिंग, विद एवरी पासिंग डे, हर पास होने वाले दिन, एवरी पासिंग डे में से हर पास होने वाले दिन के साथ, इट वुड बिकेम मोर रिमोट, इट में से यह है चढ़ाई का कार्य, बिकेम हो गया, वुड बिकम हो गया मोर रिमोट, अधिक रिमोट होता गया, यानी हर पास होने वाले दिन के साथ जो एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य है वो रिमोट होता गया, रिमोट से दूर होता गया, एकांत में होता गया। देन वॉट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा, वुड माई मेमरीज फेड स्लोली अवे, फिर क्या बचेगा, क्या रिमेन रहेगा, क्या बचा रहेगा, क्या मेरी यादें फेड अवे स्लोली, धीरे धीरे गायब हो जाएगी, क्या मेरी यादें धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगी, गायब हो जाएगी।
ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सभी विचार, ऑल दीज थॉट्स, ये सभी विचार लेड मी, मुझे ले गए, लीड की सेकेंड फॉर्म है लेड, ऑल दीज थॉट्स लेड मी, ये सभी विचार मुझे ले गए टू क्वेश्चन पर्सन की तरफ, क्वेश्चन में से पर्सन क्वेश्चन की तरफ ले गए, माई सेल्फ खुद के क्वेश्चन की तरफ ले गए, एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेंस, क्वेश्चन कौन सा, एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेंस, कि लोग पर्वत क्यों चढ़ते हैं, वाई पीपल क्लाइम ए माउंटेंस, कि लोग हैं वो माउंटेंस क्यों चढ़ते हैं, पर्वत क्यों चढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ है ये विचार मुझे ले गए, इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ये आसान है नहीं है कि लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे ईजी आंसर होगा एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि अन्य व्यक्ति कह चुके हैं, लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं, इसका सबसे सरल उत्तर होगा जैसा कि अन्य लोग कह चुके हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज़ देयर, क्योंकि ये पर्वत वहाँ है, एंड इट प्रजेंट्स, और ये पर्वत है वो प्रजेंट करते हैं ग्रेट डिफ़िकल्टीज, बड़ी कठिनाई, पर्वत बड़ी कठिनाइयों को प्रजेंट करते हैं, एंड मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और आदमी है वो आनंद लेता है इन ओवरकमिंग, ऊपर आने में ऑब्स्टेकल्स मुसीबतों के, आदमी है वो मुसीबतों से ऊपर आने में आनंद लेता है, इसलिए इन डिफ़िकल्ट इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने की जो ऑब्स्टेकल्स है कठिनाइयाँ हैं जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स रुकावटें परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग द माउंट क्लाइंबिंग ए माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने की जो ऑब्स्टेकल्स है आर फिजिकल, वो फिजिकल है भौतिक है, पर्वत पर चढ़ने की जो कठिनाइयाँ हैं वो फिजिकल है भौतिक है, ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, चोटी पर चढ़ने का मतलब होता है इंड्योरेंस, सहन शक्ति, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए तो आदमी में सहन करने की ताकत होनी चाहिए, चोटी पर चढ़ने का मतलब है सहन शक्ति, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स जिद एंड विल पावर और इच्छा शक्ति, चोटी पर चढ़ने का मतलब है सहन शक्ति, जिद और इच्छा शक्ति, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज क्वालिटीज, इन क्वालिटीज़ का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इन भौतिक क्वालिटीज़ का प्रदर्शन इज नो डाउट, निसंदेह है, एक्जिलरेटिंग, एक्जिलरेटिंग मीन्स उत्साहवर्धक, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये था फॉर मेरे लिए भी, फॉर मी ऑल्सो मेरे लिए भी, जो चढ़ने कार्य है वो निसंदेह एक्जिलरेटिंग था, एक्जिलरेटिंग से उत्साहवर्धक, आई हैव ए मोर फिजिकल, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरे लिए एक पर्सनल आंसर भी है, मेरा व्यक्तिगत उत्तर भी है, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर है, पर्सनल का मतलब था व्यक्तिगत, मेरे पास एक व्यक्तिगत आंसर भी है, आई हैव मीन्स मेरे पास है, ए मोर पर्सनल आंसर है, और अधिक व्यक्तिगत उत्तर है टू द क्वेश्चन इस पर्सन का, और अधिक व्यक्तिगत उत्तर भी है इस पर्सन का, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे बचपन से, देखो ये कह रहा है कि लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं, इसके लिए लोग कहते हैं भी पर्वत है वो डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्स्टेकल्स पर पार करने के लिए, विजय पाने के लिए लोग चढ़ते हैं, पिक पर चढ़ने का मतलब होता है इंड्यूरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, जिद, विल पावर और इच्छा शक्ति, ये सभी चीज़ें हो, ये फिजिकल क्वालिटीज़ हो तो ही पर्वत पर चढ़ा जाता है, चोटी पर चढ़ा जाता है, और ये क्वालिटीज़ मेरे में भी है। अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का मेरा एक पर्सनल उत्तर भी है, एक व्यक्तिगत उत्तर भी है, ये कह रहा है फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेंस, बचपन से ही मैं आकर्षित रह चुका हूँ, आई हैव बीन अट्रैक्टेड, मैं अट्रैक्टेड रह चुका हूँ, आकर्षित रह चुका हूँ बाई माउंटेंस, पर्वतों से, आई हैड बीन मीजरेबल लॉस्ट, मैं दुखी रह चुका था एंड लॉस्ट,
खोया हुआ रह चुका था वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स से, जब मैं पर्वतों से दूर होता था। वेन अवे जब मैं दूर होता था फ्रॉम माउंटेन्स से, पर्वतों से, जब मैं पर्वतों से दूर होता था तो मैं खोया हुआ भी रह चुका था। इन प्लेन्स मैदानों में जब होता था मैं खोया हुआ रहता था, क्योंकि मैं हमेशा पर्वतों से अट्रैक्टेड होता था। माउंटेन्स आर मोर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, वो अधिक प्रकृति होते हैं, यानी प्रकृति का जो शाश्वत रूप है वो पर्वत है। एट इट्स बेस्ट, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पर्वत है, वो प्रकृति है। देयर ब्यूटी, उनका सौंदर्य, पर्वतों का सौंदर्य, एंड मेजेस्टी, और उनका भव्यता, पर्वतों की सौंदर्य और पर्वतों की जो भव्यता है वो पोज करती है ए ग्रेट चैलेंज, एक बड़े चैलेंज को। पर्वतों का सौंदर्य और पर्वतों की जो भव्यता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती को धारण किए हुए रखती है। लाइक मैनी, जैसे बहुत से अन्य चैलेंजों की तरह, बहुत से अन्य चैलेंजों की तरह, पर्वतों का जो सौंदर्य, पर्वतों की जो भव्यता है वो बहुत बड़े चैलेंज को रखती है, जैसे बहुत से अन्य चीज़ों में भी चैलेंज होता है। बहुत से अन्य चैलेंज की तरह ही पर्वतों की भव्यता और सुंदरता एक चैलेंज होती है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव का मतलब विश्वास करना। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स है, जो पर्वत है, वो एक मीन्स है, मीन्स जैसे साधन है। मीन्स, मीन का मतलब होता है मतलब होना, लेकिन मीन्स का मतलब होता है साधन। मैं विश्वास करता हूँ पर्वत एक साधन है ऑफ कम्युनियन, कम्युनियन तो संपर्क है विद द गॉड, भगवान से। पर्वत है वो भगवान से एक संपर्क है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, एक बार ये बात स्वीकार करने के बाद कि पर्वत है वो अधिक नेचर है, पर्वत है वो भगवान से संपर्क साधने का सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसा एक बार स्वीकार करने पर, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ऐसा ग्रांटेड करने पर, द क्वेश्चन रिमेन्स, पर्सन रहता है वाई एवरेस्ट, कि पर एवरेस्ट ही क्यों भाई, पर्वत चोटियाँ तो और भी खूब है, और भी चढ़ जाके चढ़ सकते हो, लेकिन लोग एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, बिकॉज एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है एंड द माइटीएस्ट, और एवरेस्ट वो सबसे माइटीएस्ट है, सबसे शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड, और एवरेस्ट डिफाई कर चुका है, डिफाई का मतलब होता है प्रतिरोध कर चुका है, मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट से, बहुत से अन्य जो पूर्व के प्रयास हैं, अटेम्प्ट होते हैं प्रयास, बहुत से जो अन्य प्रयास हैं उन प्रयासों को वो प्रतिरोध कर चुका है। इसलिए लोग एवरेस्ट पर चढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है, और कई अन्य प्रयासों को ये फेल कर चुका है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और जो एवरेस्ट है टेक्स ले लेता है द लास्ट ऑन्स, अंतिम बूंद ऑफ वंस ऑन्स, किसी के भी एनर्जी का, किसी की जो एनर्जी है उसका अंतिम ऑन्स ले लेता है, अंतिम कण ले लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब है कि ये चढ़ाई एक ब्रूटल स्ट्रगल होता है, एक पाशविक संघर्ष होता है, पशु जैसा संघर्ष होता है, विद रॉक एंड आइस, बर्फ और चट्टानों से। वंस टेकन अप, और एक बार इस संघर्ष को यदि टेक अप कर लिया, एक बार इस संघर्ष को यदि ले लिया, इट कैनॉट बी गिवन अप, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, हाफ वे, मध्य रास्ते, एक बार इस संघर्ष को यदि शुरू कर दिया तो बीच रास्ते में इसको छोड़ नहीं सकते। इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी का जीवन दाव पर हो, एट स्टेक में से दाव, किसी का जीवन चाहे दाव पर लगा हो कि भी कोई मरने वाला है, लेकिन फिर भी बीच में इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको अंतिम छोर पर पहुँचाया ही जाता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, क्योंकि वापस आने का रास्ता इज एज डिफिकल्ट, इतना ही कठिन होता है एज द पैसेज ऑनवर्ड, जैसे ऑनवर्ड पैसेज हो, आगे का रास्ता हो, चढ़ने उतरने का रास्ता उतना ही कठिन है जितना चढ़ने वाला रास्ता हो। इसलिए बीच में किसी को परेशानी आ गई तो आ गई, मर रहा है तो मर रहा है, बस
एक ही टारगेट होता है, चढ़ना है। उतरोगे तो भी, मरोगे, चढ़ोगे तो भी संघर्ष तो जारी रखना पड़ेगा। इसलिए बीच रास्ते में इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। एंड देन और फिर वेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब समिट पर चढ़ जाया जाता है, वेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब पर्वत चोटी को क्लाइम कर लिया जाता है, चोटी पर चढ़ जाता है, देर इज एन एग्जिलरेशन। क्या होता है, देर इज एन एग्जिलरेशन, यहाँ जो एच है वो साइलेंट है, एग्जिलरेशन। जब चढ़ जाया जाता है तो एग्जिलरेशन होता है, एग्जिलरेशन से बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट होता है। द जॉय ऑफ हैविंग, ऐसा एग्जिलरेशन, ऐसा आनंद ऑफ हैविंग डन, किए जाने का। द सेंस ऑफ बैटल फोट एंड वोने, लड़ाई को लड़े जाने और जीते जाने का भाव, ऐसा एग्जिलरेशन होता है। जब एक बार चोटी पर चढ़ जाते हैं एवरेस्ट की, तो उसमें एक्साइटमेंट होता है और ऐसा किए जाने की खुशी होती है, कुछ किए जाने की खुशी होती है, और युद्ध को लड़े जाने और जीते जाने का भाव होता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और विक्ट्री की फीलिंग होती है एंड ऑफ हैप्पीनेस, और प्रसन्नता की फीलिंग होती है। ग्लिम्पसिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्पसिंग में देखना ए पिक चोटी को, इन द डिस्टेंस दूरी पर चोटी को देखना, एंड गेट ट्राई देखते हुए, ग्लिम्पसिंग होता है ग्लिम्प्स करना, झलक लेना, देखना। ग्लिम्पसिंग ए पिक चोटी को देखना, देखते हुए, इन डिस्टेंस दूरी पर किसी चोटी को देखते हुए, आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, मैं परिवर्तित हो जाता हूँ टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में। मैं किसी चोटी को देखता हूँ तो चोटी को देखते देखते मैं क्या हो जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल परिवर्तित हो जाता हूँ दूसरे संसार में। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अनुभव करता हूँ चोटी को देखकर, ए चेंज एक बदलाव का, विद इन माई सेल्फ मेरे खुद में बदलाव का मैं अनुभव करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो बदलाव केवल कहा जा सकता है, विच में से जो, कैन ओनली बी कॉल्ड, जिस बदलाव को केवल कहा जा सकता है मिस्टिकल, रहस्यमय, जिस बदलाव को केवल मिस्टिकल कहा जा सकता है, रहस्यमय कहा जा सकता है, बाय इट्स ब्यूटी, अपने सौंदर्य के कारण, अलिफनेस अकेलेपन के कारण, माइट ताकत के कारण, एंड रगड़नेस और उबड़ खाबड़ के कारण। देखो रगड़नेस का मतलब होता है कि अलग चट्टानें निकली हुई, उबड़ खाबड़ जैसे समतल एक जैसा नहीं हो, समुद्र का उल्ट है रगड़नेस, है ना। तो अपने सौंदर्य की वजह से, अकेलेपन की वजह से, ताकत की वजह से और उबड़ खाबड़ के वजह से, एंड डिफ़िकल्टीज और परेशानियाँ, इनकाउंटर्ड ऑन द वे, रास्ते पर जो परेशानी इनकाउंटर की जाती है, सामना की जाती है उन परेशानियों के कारण। द पिक चोटी, एवरेस्ट की चोटी, ड्रॉज मी, मुझे खींचती है, टू इट इसकी तरफ, चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती है, अपनी ब्यूटी की वजह से, अकेलेपन के कारण, अपनी ताकत की वजह से, अपनी उबड़ खाबड़ की वजह से, और कठिनाई जो उसके चढ़ने पर होती है उनके कारण चोटी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, ड्रॉज मीन्स खींचना, एज एवरेस्ट, जैसा कि एवरेस्ट करती है ना। ये कह रहा है कोई भी चोटी को देखता हूँ तो देखते हुए मैं ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ दूसरे संसार में, और मैं एकदम मिस्टिकल, जिसको कहा जा सकता है मिस्टिकल संसार में बदल जाता हूँ। मिस्टिकल का मतलब होता है एक आध्यात्मिक संसार में मैं चेंज हो जाता हूँ ना, क्योंकि कोई भी चोटी अपनी सौंदर्य की वजह से, अकेलेपन की वजह से, ताकत की वजह से और चढ़ने में जो कठिनाइयाँ हैं उसकी वजह से अपनी ओर खींचती है मुझे, ऐसा ही एवरेस्ट करती है। इट इज़ ए चैलेंज, एवरेस्ट चढ़ना एक चैलेंज है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, एवरेस्ट चढ़ना एक ऐसा चैलेंज है जो कठिन है, डिफ़िकल्ट है, रेजिस्ट करना, उस चैलेंज को प्रतिरोध करना बहुत कठिन है, यानी चढ़ना ही पड़ता है मेरे को भी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, लुकिंग बैक में होता है पीछे देखते हुए मेरे जीवन पर, आई फाइंड, मैं पाता हूँ कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, वापिस पीछे देखते हुए मैं पाता हूँ कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। पीछे देखते हुए मैंने अभी तक, लग रहा है मेरे को, मैंने पूरी तरह से नहीं समझा है कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा।
इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीद, इस प्रश्न का उत्तर देना इस जैसा है कि व्हाई यू ब्रीद, कि तुम सांस क्यों लेते हो। बिहेवियर स्टूडेंट क्यों चढ़ा, इस प्रश्न का उत्तर देना इस प्रश्न के उत्तर देना जैसा है कि तुम सांस क्यों लेते हो। व्हाई यू ब्रीद, ब्रीद होता है सांस लेना, तुम सांस क्यों लेते हो इस प्रश्न का उत्तर देना जैसा है। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो, इस प्रश्न का उत्तर देना जैसा भी है। व्हाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, कि तुम अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हो। व्हाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो टू डू गुड एक्ट्स, अच्छे कार्य करना तुम क्यों चाहते हो। एंड देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई फाइनल आंसर संभव नहीं है, इसका कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है कि तुम पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो, तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो, तुम सांस क्यों लेते हो। जैसे इन प्रश्नों का संभव उत्तर नहीं दिया जा सकता, वैसे ही इसका भी उत्तर नहीं दिया जाता कि भाई पर्वत पर मैं क्यों चढ़ा या क्यों चढ़ना चाहता हूँ। देन देर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, फिर एक फैक्ट भी है, एक तथ्य भी है कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, कि एवरेस्ट है वो केवल फिजिकल क्लाइम नहीं है, एक फिजिकल क्लाइम नहीं है सिर्फ, एवरेस्ट है वो केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ये कह रहा है द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, आदमी जो पर्वतों में रह के आ चुका है, माउंटेन टॉप्स में रह के आ चुका है, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप्स, आदमी जो माउंटेन टॉप्स में रह के आ चुका है, बिकम्स कॉन्शियस, वो आदमी कॉन्शियस होता है, सचेत होता है, कॉन्शियस हो जाता है इन स्पेशल मैनर, विशेष मैनर में, विशेष आचरण में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने सवे के स्मॉलनेस, सवे की जो स्मॉलनेस है, वो का जो छोटापन है, उस छोटेपन के विशेष मेंद्र में आदमी जागृत हो जाता है। जो आदमी पर्वतों में रह के आ चुका है उसे खुद के छोटापन का एहसास हो जाता है कि इस लार्ज यूनिवर्स में, इस विशाल ब्रह्मांड में कि वो कितना सा एक छोटा सा प्राणी है, इसका उसे ज्ञान हो जाता है पर्वतों में रहे हुए आदमी को। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो भौतिक विजय है, जो शारीरिक जीत है माउंटेन की, वो केवल एक पार्ट है उपलब्धि की। किसी भी पर्वत पर चढ़ते हैं, उस पर्वत की जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, भौतिक रूप से उस पर्वत को जीतते हैं, वो केवल उपलब्धि का एक भाग है। देर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी और अधिक चीज़ें हैं। केवल शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से चढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, भौतिक रूप से चढ़ने के अलावा और भी कुछ है। देर इज मोर टू इट देन दैट, इसकी तुलना, इससे और भी, इसकी तुलना यानी भौतिक रूप से चढ़ने के अलावा और भी अधिक इसमें है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसी इट इज यानी ये चढ़ने का कार्य है, भौतिक रूप से चढ़ने का कार्य वो फॉलो होता है, भौतिक रूप से चढ़ने के बाद होता है, ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट होता है पूरा होना, पूरे होने का भाव होता है। जैसे चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद हमें फुलफिलमेंट का सेंस होता है, किस चीज़ के भरने का भाव होता है। देर इज ए सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, देर इज द सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन होता है संतोष, ऑफ ए डीप अर्ज, डीप अर्ज होता है गहरी प्रार्थना का संतोष, टू राइज उठने का, अब वो वन सराउंडिंग से किसी के वातावरण से ऊपर उठने की जो अर्ज है उसमें संतोष का भाव होता है। यानी जैसे हम एवरेस्ट या किसी पिक पर चढ़ते हैं तो उसके बाद एक पूर्ण होने का भाव होता है कि वास्तव मैंने कुछ आज कर लिया है, और उसके बाद एक संतोष मिलता है हमें, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, कि किसी इस वातावरण से ऊपर उठने का जो संतोष है वो हमें मिलता है। इट इज़ द इटरनल लव फॉर एडवेंचरिंग मैन, और ये चढ़ने का कार्य है वो एक इटरनल लव है, एक शाश्वत प्रेम है फॉर एडवेंचर, साहस के लिए, इन मैन आदमी में, आदमी में साहस के लिए के शाश्वत प्रेम होता है, चढ़ने का कार्य है वो एक शाश्वत प्रेम है,
साहस के लिए एडवेंचर के लिए। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, ये जो चढ़ने का कार्य है वो केवल फिजिकल नहीं है, केवल और केवल फिजिकल नहीं, हाँ फिजिकल है लेकिन केवल फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये चढ़ने का कार्य इमोशनल भी है, भावनात्मक है एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक भी है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइम टूवर्ड द समिट ऑन द लार्ज हाइट्स। कंसिडर में से विचार करो, ए टिपिकल क्लाइम, एक विशेष प्रकार के क्लाइम पर विचार करो, टिपिकल में से विशेष प्रकार के क्लाइम में से चढ़ाई, एक विशेष प्रकार की चढ़ाई पर विचार करो। टूवर्ड द समिट, ऊंचाई की तरफ, ऑन द लास्ट हाइट्स, अंतिम ऊंचाई पर, चोटी पर चढ़ाई की, किसी ऊंचाई या चढ़ाई पर उसके ऊपर विचार करो, यानी ये कह रहा है कि विशेष प्रकार की चढ़ाई है उस पर विचार करो। टूवर्ड द समिट, टूवर्ड में से की तरफ है, और समिट चोटी, चोटी की तरफ, ऑन द लास्ट हाइट्स, अंतिम हाइट पर जो चोटी है उस चोटी पर चढ़ाई का विचार करो। एंड यू आर शेयरिंग ए रोप, और ये विचार करो कि तुम रोप को शेयर कर रहे हो, यानी तुम अपनी रस्सी है वो किसी को दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, विद अनदर क्लाइंबर, दूसरे क्लाइंबर के साथ, दूसरे क्लाइंबर के साथ, यानी अपनी एक रस्सी है वो दूसरे क्लाइंबर को आपने दे रखी है खींचने के लिए, उसको अपनी रस्सी दूसरे क्लाइंबर को शेयर कर रहे हो। एंड यू फर्म इन, और तुम एकदम फर्म इन हो, तुम एकदम सुदृढ़ हो एकदम, है ना, और दूसरे क्लाइंबर को आप खींच रहे हो। ही कट्स द स्टेप्स, और वो स्टेप्स काटता है, वह अपने कदम है वो काट कर चढ़ रहा है, इन द हार्ड आइस, कठोर बर्फ में, कठोर बर्फ में वो अपने कदम काटता हुआ चढ़ रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और फिर वो बिलेज करता है, फिर वो अपने आप को रखता है, एंड यू इंच योर वे अप, और तुम अपना रास्ता ऊपर लेते हो, यानी फिर वो अपनी रस्सी को फिक्स करता है, विलेज में से रखता है, फिक्स करता है रस्सी को। एंड यू वेज, यू इंच योर वेज अप, और तुम अपना रास्ता है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे बनाते हो। द क्लाइम इज ग्रिम, क्लाइम है वो ग्रिम होती है, बड़ी सीरियस होती है चढ़ाई, बड़ी सीरियस होती है, कोई मजाक नहीं होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, यू स्ट्रेन में से तुम खींचते हो, एवरी नर्वे, हर नाड़ी को, हर नाड़ी कसी जाती है, एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही तुम लेते हो हर स्टेप, जैसे ही तुम हर स्टेप लेते हो तो आपकी शरीर की हर नाड़ी है वो स्ट्रेन होती है, तनती है, खींचती है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स है, प्रसिद्ध जो चढ़ने वाले व्यक्ति है, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड छोड़े हैं, ऑफ द हेल्प, सहायता के, गिवन बाय अदर्स, दूसरों को दी हुई, दूसरों को दी हुई सहायता के रिकॉर्ड प्रसिद्ध क्लाइंबर्स ने छोड़े हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि हाउ दे नीडेड, कि किस प्रकार उनको आवश्यकता थी, जस्ट दैट हेल्प, ठीक वह सहायता, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे उन्होंने सहायता की और वो सहायता कितनी आवश्यक थी। एल्स में से अन्यथा दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वो छोड़ चुके होते हैं, यानी वो मर चुके होते हैं, ठीक एक अर्जेंट टाइम में उन्होंने कैसे उनको सहायता दी, कैसे उनको बचाया। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता है, ब्रीदिंग में से सांस लेना, डिफिकल्ट में से कठिन, सांस लेना कठिन होता है। एंड यू कर्स योर सेल्फ, और तुम खुद को कर्स करते हो, तुम खुद को कोसते हो फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और इसके लिए खुद को दिए जाने के लिए खुद को कोसते हो कि मैंने क्यों चढ़ाई को अपनाया, इसके लिए खुद को वहाँ पर जाके कोसते हो। फिर यू वंडर, और तुम आश्चर्य करते हो, वाई यू ईवर अंडर टुक द असेंट, तुम ये सोचते हो कि वाई यू ईवर अंडर टुक, तुमने कभी क्यों लिया, वाई डू यू एवर अंडर टुक द असेंट, असेंट में चढ़ाई, तुमने चढ़ाई के कार्य को क्यों लिया, अंडर टुक में से लिया, ये तुम वहाँ जाकर जब फंस जाते हो तो कोसते हो। देयर वर मोमेंट्स,
देर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण होते हैं वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे बहुत से क्षण होते हैं वेन यू फील, जब तुम महसूस करते हो लाइक गोइंग बैक, वापस जाने जैसा। इट वुड बी सीयर रिलीफ है, और ये एक अजीब रिलीफ होता है टू गो डाउन, नीचे जाना, एक अजीब सीयर में से अजीब रिलीफ मिलता है होगा नीचे जाना, इंस्टेड ऑफ अप है ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस है, किंतु तुरंत ही यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड है, तुम तुरंत ही उस मूड को स्नैप आउट कर देते हो वापस जाने का, वापस जाने के उस मूड को तुरंत ही आप स्नैप आउट कर जाते हो, स्नैप आउट छोड़ देते हो, तोड़ देते हो। एंड देयर इज समथिंग इन यू, और तुम में कुछ ऐसा होता है दैट डजेंट लेट यू गिव अप, कुछ ऐसा तुम में होता है कि तुम छोड़ते नहीं हो, छोड़ने तुम्हें दिया नहीं जाता है, ऐसा तुम में होता है, डज नॉट लेट यू गिव अप, यानी ऐसी चीज़ तुम में होती है जो तुम्हें गिव अप नहीं करने देती है, डज नॉट लेट यू गिव, जो तुम्हें गिव अप नहीं करने देती है, ऐसी चीज़ें होती है, तुम छोड़ना चाहते हो, छोड़कर जाना चाहते हो, छोड़कर जाने में बड़ी राहत होती है, लेकिन तुरंत ही तुम में ऐसा होता है कि तुम उस मूड को, वापस जाने वाले मूड को स्नैप आउट कर देते हो, और तुम्हें कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें छोड़ने नहीं देते हो, एंड दे स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल को तुम छोड़ने नहीं देते हो, एंड यू गो ऑन, और तुम जाते रहते हो। योर कंपेनियन कीप अप विद यू, और तुम्हारी जो साथी है कीप्स अप विद यू, तुम्हारे साथ रहते हैं, जस्ट अनदर 50 फीट, ठीक 50 फीट और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ रहते हैं कि अगले 50 फीट और 50 फीट चढ़ो, एंड 100 और 100 फीट मे बी ऐसा हो सकता है। यू आस्क योरसेल्फ, तुम खुद से पूछते हो, इज देयर नो एंड, तुम खुद से पूछते हो इज देयर नो एंड, क्या कोई एंड नहीं है। एंड यू लुक एट योर कंपेनियन, और तुम अपने साथी पर देखते हो, एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम पर देखता है, क्या कोई एंड नहीं है। तुम अपने साथी पर देखते हो, कंपेनियन पर देखते हो, और वह तुम पर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन, और तुम प्रेरणा लेते हो, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन, तुम प्रेरणा लेते हो फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एक दूसरे को देख कर। देन और फिर, विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर, फिर बिना जागृत हुए, और फिर इसका, इससे बिना जागृत हुए इतनी कोई एंड है या नहीं, यू आर एट द समिट, तुम समिट पर आ जाते हो। इस प्रकार धीरे धीरे चढ़ते हुए तुम समिट पर पहुँचते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, छोटी से घूम के देखते हुए, समिट होती है छोटी, छोटी से आप घूमते हुए देखते हो, तो देखते हुए यू टेल, तुम बताते हो योर सेल्फ, खुद को बताते हो, है ना, छोटी से घूमते हुए देखते हो, तुम खुद को बताते हो कि इट वॉज वर्थ वाइल, ये जो चढ़ने का कार्य है वो चढ़ने योग्य था, ये वास्तव में वर्थ वाइल है, ये वास्तव में चढ़ना एक वर्थ वाइल है, योग्य था। अदर सिल्वरी पिक्स, और अन्य जो सिल्वरी पिक्स होती है, अन्य जो सिल्वरी पिक्स है, चांदी जैसी चोटियाँ, सफेद दिखने वाली चांदी जैसी चोटियाँ, अपियर प्रतीत होती है थ्रू द क्लाउड से, बादलों में से घूम के देखते हो तो अन्य जो चांदी जैसी चोटियाँ हैं वो भी बादलों में से निकली हुई होती है। इफ़ यू आर लकी, और यदि तुम लकी हो, यदि तुम भाग्यशाली हो, तो सन मे बी ऑन देम, और सूर्य उन पर आ सकता है, यदि तुम भाग्यशाली हो तो उन पर सूर्य भी आ सकता है। द सराउंडिंग पिक्स लुक्स लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, गिरी हुई जो चोटियाँ होती है आसपास की, जो ऊंचाई के आसपास जो गिरी हुई चोटियाँ होती है, लुक लाइक है, लुक में से दिखती है लाइक, जैसे ज्वेल्ड नेकलेस है, जैसे ज्वेल्ड नेकलेस हो, जैसे आभूषणी हार हो, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी चोटी के चारों ओर, आपकी चोटी जो गर्दन के चारों ओर आभूषण की तरह है, नेकलेस की तरह दिखाई देती है, आपकी चोटी के चारों ओर जो सराउंडेड पिक्स होती है वो पिक्स ऐसे दिखती है मानो कि हार हो आपकी चोटी के चारों ओर। बिलो नीचे, आपके नीचे, यू सी, तुम देखते हो, वोस्ट वैलीज, विशाल घाटियाँ, स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, जो दूरी पर स्लोपिंग ढाल बनाई हुई है, विशाल जो चोटियाँ हैं, विशाल जो घाटियाँ हैं, बिलो नीचे, यू सी, तुम देखते हो, वोस्ट वैलीज, विशाल घाटियाँ, स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस में दूरी पर स्लोपिंग की हुई है, ऐसे ढली हुई है। इट इज़ एन इनोबलिंग, और ये जो चोटी है
वो इनोबलिंग है, इनोबलिंग होता है महान बनाए जैसी है, इनरिचिंग एक्सपीरियंस है और इनरिचिंग एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को रीच करने जैसी है। तो जस्ट लुक डाउन है, नीचे देखने फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन है, पर्वत की चोटी से नीचे देखना महान बनाने और इनरिच करने जैसा ये कार्य है। खुद को इनोबलिंग बनाना, खुद को नोबल बनाना और खुद को रीच बनाना वाला अनुभव जैसा है नीचे देखने का कार्य। यू बो डाउन, तुम झुकते हो, एंड मेक योर ओबीसेंस और अपना ओबीसेंस बनाते हो, विच ईवर गॉड यू वर्शिप, जो भी गॉड तुम पूजते हो, जो भी तुम भगवान को पूजते हो, उस गॉड के प्रति तुम अपना ओबीसेंस बनाते हो, अपना आभार है ना, अपना समर्पण करते हो कि भगवान आपकी वजह से मैंने ये ऊंचाई छुई है। I left on Everest, मैंने एवरेस्ट पर छोड़ा, लेफ्ट में छोड़ा, मैंने एवरेस्ट छोड़ा, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का एक चित्र छोड़ा। राउत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, राउत ने दुर्गा माता का चित्र छोड़ा। फू दोरजी लेफ्ट, फू दोरजी ने छोड़ा ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का जो अवशेष है वो फू दाऊजी ने छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड ए क्रॉस अंडर ए कैरन, और एडमंड हिलेरी ने क्या किया, हैड ब्यूरिड दफनाया ए क्रॉस, क्रॉस को दफनाया, ईसाई था ये, क्रॉस को दफनाया अंडर ए कैरन, कैरन के नीचे, कैरन होता है हिप्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, चट्टान और पत्थरों का जो ढेर होता है उसके नीचे उसने कैरन दफनाया, इन द स्नो, बर्फ में, बर्फ में जो कैरन था उस कैरन के नीचे उसने क्रॉस दफना दिया। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जीत के चिन्ह नहीं है बट ऑफ रिवरेंस है, बल्कि श्रद्धा के चिन्ह है। ये जीत के चिन्ह नहीं थे कि हमने अलग अलग चित्रों को वहाँ रखा, बल्कि ये एक श्रद्धा का चिन्ह, श्रद्धा का सिंबल्स था, श्रद्धा के प्रतीक थे कि हम उन भगवानों की श्रद्धाओं की वजह से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, द एक्सपीरियंस अनुभव ऑफ हैविंग क्लाइम्ड, चढ़ने का अनुभव टू द समिट चोटी पर, चेंजेज यू कम्प्लीटली, तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरी चोटी है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे अंदर है, इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो तुम्हारे खुद के माइंड में, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, हर आदमी अपने खुद में लाता है, कैरीज से लाता है, विद इन हिमसेल्फ खुद में, हिज ओन माउंटेन पिक, अपने खुद की पर्वत चोटी। एक चोटी और है जो आपके अंदर है, ये तुम्हारे माइंड में है और हर आदमी अपने साथ ये माउंटेन पिक लाता है। ही मस्ट क्लाइम इट, उसे इस चोटी पर चढ़ना चाहिए, ही मस्ट क्लाइम इट, उसे इस चोटी पर चढ़ना चाहिए, माइंड की चोटी पर, टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, खुद के सभी के पूरे ज्ञान तक पहुंचने के लिए, यानी खुद में जितना है उस पूरे ज्ञान तक पहुंचने के लिए उसे इस चोटी पर चढ़ाई करनी चाहिए, दिमाग की ऊंचाई छूने के लिए उसे चढ़ाई करनी चाहिए। इट इज़ फियरफुल, ये चोटी भी भयानक है, अनस्केलेबल और अनस्केलेबल है, यानी इसकी ऊंचाई को भी छुआ ही नहीं जा सका, दिमाग की चोटी भी है जिसकी ऊंचाई को अभी तक छुआ नहीं जा सका, स्केल नहीं किया जा सका, मापा नहीं जा सका। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, और इसको चढ़ा नहीं जा सकता बाई एनीवन एल्स, किसी अन्य के द्वारा, ये माइंड की चोटी ऐसी चोटी है जो किसी अन्य के द्वारा नहीं चढ़ी जा सकती। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें खुद को, सभी को ये करना पड़ेगा, खुद के दिमाग की चोटी को खुद को चढ़ना पड़ता है, दूसरा नहीं चढ़ सकता। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, फिजिकल में से शारीरिक, एक्ट में से कार्य, फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने का जो फिजिकल कार्य है, टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य है, वो शारीरिक कार्य आउटसाइड है, किसी बाहर पर्वत पर चढ़ने का जो फिजिकल कार्य है, किसी बाहर चोटी पर, किसी बाहर पर्वत की चोटी पर चढ़ने का जो कार्य है वो एकिन है, एकिन में से सम्मान है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने के कार्य के सम्मान, द माउंटेन विद इन, अंदर की चोटी पर चढ़ने के समान है। द इफेक्ट्स ऑफ द बोथ क्लाइम्स आर सेम, द इफेक्ट्स में से प्रभाव, फिजिकल क्लाइंबिंग का और अंदर की माइंड की क्लाइंबिंग का कार्य, ये कह रहा है कि किसी बाहर चोटी है उस चोटी पर चढ़ने का कार्य और
अंदर के पर्वत पर चढ़ने का, दिमाग की चोटी पर चढ़ने का, ये दोनों एक ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के समान है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ, दोनों के जो प्रभाव हैं, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स, और दोनों चढ़ाइयों के जो प्रभाव है आर द सेम, समान है। यानी दोनों प्रकार की चढ़ाइयों के जो प्रभाव हैं एक जैसे हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, वेदर चाहे द माउंटेन यू क्लाइम, पर्वत जिसको तुम चढ़ते हो वो चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, जिस पर्वत पर चढ़ते हैं अपने वो चाहे फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, यानी इमोशनली हम किसी ऊंचाई पर छुएं तो, चाहे वो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल से आध्यात्मिक, किसी ईश्वर से अपना संबंध बताते संपर्क साधते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, और चाहे इमोशनली हम किसी से प्रेम करें और करें, किसी भी प्रकार की ऊंचाई को छोड़ना, किसी भी पर्वत को चढ़ना हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, वो क्लाइम, वो चढ़ाई आपको बदल देगी, चाहे फिजिकली किसी पर चढ़ना हो, चाहे इमोशनली हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं, या आध्यात्मिक रूप से किसी ऊंचाई को छूते हैं, तो ये चढ़ना आपको पूरी तरह से बदल देगा। इट टीचेज यू, और ये चढ़ना तुम्हें सिखाता है, मच अबाउट द वर्ल्ड, मच में से अधिक, अबाउट द वर्ल्ड संसार के बारे में, संसार के बारे में तुम्हें अधिक सिखाता है, एंड अबाउट योर सेल्फ, और तुम्हारे खुद के बारे में बहुत सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक, आई वेंचर में से मैं साहस करता हूँ, आई वेंचर में साहस करता हूँ टू थिंक, सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस है कि मेरा अनुभव एज एन एवरेस्टर, एवरेस्टर के रूप में मेरा अनुभव है, एज प्रोवाइडेड मी, मुझे दे चुका है, विद द इंस्पिरेशन, प्रेरणा टू फेस द लाइफ्स ऑर्डिल से, जीवन की अग्नि परीक्षाओं का सामना करना रेजोल्यूटली, दृढ़तापूर्वक। एवरेस्ट पर चढ़ने का जो मेरा अनुभव है, वो अनुभव मुझे एक ऐसी प्रेरणा दे चुका है, प्रोवाइड से प्रदान कर चुका है, दे चुका है इंस्पिरेशन, से प्रेरणा दे चुका है, टू फेस द लाइफ्स ऑर्डिल, फेस में सामना करने की, लाइफ्स ऑर्डिल से तो है, जीवन की जो अग्नि परीक्षाएं हैं उनको सामना करने की प्रेरणा मुझे दे चुका है, रेजोल्यूटली, दृढ़तापूर्वक, जीवन की जो अग्नि परीक्षा है वो दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा मुझे दे चुका है एवरेस्ट का चढ़ना। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल, पर्वत पर चढ़ने का कार्य वो योग्य वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, मूल्यवान अनुभव है, पर्वत पर चढ़ने का जो अनुभव है वो मूल्यवान अनुभव है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए इंटरनल समिट, और आंतरिक चोटी, इंटरनल होता है आंतरिक, समिट चोटी, आंतरिक चोटी पर जीत इज इक्वली वर्थ वाइल, आंतरिक चोटी पर जो जीत है, कॉन्क्वेस्ट है, वो बराबर रूप से मूल्यवान है। इंटरनल समिट्स आर पर हाफ से हायर देन एवरेस्ट, और जो आंतरिक ऊंचाई है, आंतरिक जो चोटी है, वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंची है। ये HPS अहलूवालिया का लेसन है, बहुत शानदार। ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पर खड़े होकर, द राइटर वॉज ओवरजॉयड, राइटर ओवरजॉयड था, शेड, ये दोनों सी था, जुबिलेंट और शेड था। इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ ए ह्यूमिलिटी, जो इमोशन उसको जकड़ ली उनमें से एक थी ह्यूमिलिटी की, और सेंस ऑफ स्मॉलनेस है, और स्मॉलनेस की इमोशन। द स्मिट ऑफ माइंड रेफर्स टू, जो माइंड की स्मिट है वो रेफर करती है, किसको रेफर करती है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को, बिल्कुल, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ये भी है, यानी माइंड की जो क्लाइम है, चोटी है, वो रेफर करती है, बौद्धिक उपलब्धियों को रेफर करती है, और मैच्योर होना मेंटली और स्पिरिचुअली, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मैच्योर होने की प्रोसेस भी को भी रेफर करता है। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन ऑफ कॉमन वारफेयर वेलफेयर, सामान्य कल्याण की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर भी ओवरकम होना, ये भी इसको रेफर करता है। लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, काल्पनिक और विचारशील संसार में रहने की को रेफर करता है, बिल्कुल। ट्राइप ऑफ माउंड और वर्ल्डली प्लेजर्स और नोबल कोज, वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर ए नोबल कोज, एक महान उद्देश्य के लिए सांसारिक आनंदों को, सांसारिक आनंदों पर मस्तिष्क की जीत, ये भी है। खुद का पूरा ज्ञान, इन सभी को रेफर करती है, ये बिल्कुल राइट है, रिलेवेंट कोई सही नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें से। ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके, है ना, पूरे पूरे। वॉट आर थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम,
लेखक की चढ़ाई में तीन मुख्य क्वालिटीज कौन सी है? चढ़ाई में देखो पहली चीज ये इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। इंड्योरेंस में सहन शक्ति, परसिस्टेंस में जिद, और विल पावर में से इच्छा शक्ति। व्हाट इज व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, कि ये जो एडवेंचर है साहसिक कार्य है जो रिस्की है फिर भी वो आनंददायक है। आनंददायक इसलिए क्योंकि आफ्टर क्लाइंबिंग चढ़ने के बाद देयर इज जॉयफुल, आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा किए जाने की अनुमति जो कोई नहीं कर पाता। तो आंसर दीज क्वेश्चंस ओवरऑल। ओके, थैंक यू सो मच।